स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 मोस्ट पावरफुल 5G CPU 120 Hz FHD प्लस डिस्प्ले 50 मेगापिक्सल कैमरा विद 2K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड 6000 mAh बैटरी विद फास्ट चार्जिंग। ये सारे स्पेक्स इस वीडियो के अंदर पिक किए गए टॉप और स्मार्टफोन्स के अंदर अवेलेबल है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा टॉप और मोस्ट पावरफुल 5G डिवाइसेस के बारे में अंडर ₹13,000। दोस्तों, 12 टू 13,000 के बिटवीन आने वाले टॉप वैल्यू फॉर मनी पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं। तो अगर आपका बजट इस टाइम पर 13,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको इस प्राइस बजट के अंदर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G डिवाइस परचेज करना है या फिर फ्यूचर प्लान कर रहे हो, देन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट क्या सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ, बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में वीवो की तरफ से, वीवो T2X 5G। ये सेगमेंट में वीवो का दी बेस्ट फोन है जो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे खासे स्पेक्स ऑफर करता है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 6020 ऑफर किया गया है जो एक 7nm CPU है। उतना पावर एफिशिएंट ये नहीं है, 320Hz के करीबन अंततः स्कोर आता है जो आपको मीडियम सेटिंग्स पर अच्छी खासी गेमिंग करा देगा। बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये MediaTek Dimensity 700 के सिमिलर परफॉर्म करता है जो सेगमेंट का एक डिसेंट CPU है। 6 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.58 इंच का FHD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच। नॉर्मली 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट मिलता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद मैट फिनिश। ये फ्लैट फ्रेम यानी कि बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। इसमें आपको बैक साइड में डुअल कैमरास की प्लेसमेंट दी गई है। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 2 का यूजलेस लेंस मिलता है बट अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिलती है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 की रेटिंग, 3.5mm जैक और सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलेगा। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है 11999। बट इसका जो 6+128GB वेरिएंट है उसको सिर्फ 12999 13,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। अगर आपको ब्रांड चाहिए, बजट के अंदर सैमसंग को एक्सपीरियंस करना है, देन इस फोन को चेकआउट करिए। ये आपको लॉन्ग टाइम यूजेज में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है बिकॉज इसमें आपको लंबे टाइम तक OS अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर सैमसंग के खुद का Exynos 1330 ऑफर किया गया है जो ओनली 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, आपको सिंगल चार्ज पर लंबा बैटरी बैकअप ये दे सकता है। 380Hz प्लस स्कोर आता है जो आपको टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग करा देगा। स्नैपड्रैगन 695 के काफी क्लोज है ये, जो ऑलरेडी बजट के अंदर मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल CPU है। डे टू डे यूजेज में अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1 UI 5.1 पर बेस्ड है। 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा और इसमें रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का FHD प्लस PLS डिस्प्ले मिलेगा। बेसिकली PLS IPS से बेटर होता है जो पावर कम कंज्यूम करता है एंड कॉन्ट्रास्टी कलर्स दिखते हैं। तो डिस्प्ले आपको अच्छा खासा मिलेगा इन दिस प्राइस सेगमेंट। ड्रॉप नॉच दिया गया है, 90Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश और ये 2 कर्व्ड बैक एजेस के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 2 डेप्थ एंड 2 माइक्रो लेंस मिलेगा बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से फुल HD मीन 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो, सैमसंग का फोन है, कैमरा से आपको ज्यादा शिकायत नहीं होती है। कैमरा को अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है बजट के अंदर भी, तो कैमरा क्वालिटी बजट के अंदर बेस्ट मिलेगी नो डाउट। बट याद रखना, अल्ट्रा वॉट नहीं है। इस फोन के अंदर 6000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल मोनो स्पीकर एंड 2 तक OS अपडेट्स और 4 तक सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स मिलेगा जो बजट के अंदर इस फोन को सबसे अलग करता है। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है अगेन 11999। बट इसके 6+128GB वेरिएंट को सिर्फ 12999 13,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है आईकू की तरफ से, आईकू G6 Lite 5G। अगर आपको बजट के अंदर एक बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए देन इसको चेकआउट करिए, ये दी बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है इन दिस प्राइस सेगमेंट। 4+64GB बेस प्लान से आता है और इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 4Gen 1 ऑफर किया गया है जो एक लेटेस्ट एंड पावरफुल CPU है। ओनली 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका अंततः स्कोर 385,000 प्लस आता है जो एक अच्छा खासा नंबर है बजट के अंदर। Snapdragon 695 के काफी क्लोज है। देखो इसका स्कोर Snapdragon 695 से भी कम आता है, बट इसको तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये Snapdragon 695 से भी बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो नो डाउट प्राइस के अकॉर्डिंग आप यहां से टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच OS 12 पर बेस्ड है। ओनली 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, बट ये इंडिया के अंदर सपोर्टेड है तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। दोस्तों अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.58 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिस्प्ले गेमिंग के लिए जबरदस्त मिलता है, बट हाँ ड्रॉप नॉच से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैक साइड में AG ग्लास दिया गया है जो बेसिकली पॉलीकार्बोनेट ही होता है विद मैट फिनिश, बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें डुअल रियर कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 50 MP का दिया गया है, साथ में 2 का यूजलेस लेंस मिलता है बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8 MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 1080p 60fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और ये आईकू का फर्स्ट फोन है जिसमें आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक और सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है 12,999 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइस्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi 12 5G। ये सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। 12,000 के प्राइस पर सबसे बेस्ट गेमिंग कराता है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 4Gen 2 ऑफर किया गया है जो एक लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल CPU है। ओनली 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, बट सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो अंततः स्कोर है वो 4.5 लाख प्लस आता है जो बजट के अकॉर्डिंग एक बड़ा नंबर है। तो गेमिंग आपको ये काफी कमाल की कराएगा, मीडियम सेटिंग्स पर जबरदस्त गेमिंग कर सकते हो, डे टू डे यूजेज में टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, और इसमें रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। दोस्तों अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.79 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल है, सेंटर पंचोल मिलता है, 90Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन, 518Hz ब्राइटनेस, 240Hz का TSR मतलब टच सैंपलिंग रेट, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। बैक साइड में ग्लास मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश जो बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। डिजाइन इसका अच्छा खासा दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा फोन है ये। बैक साइड में डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 MP का होगा, साथ में 2 का यूजलेस लेंस मिलता है बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8 MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट इन द बॉक्स 22.5 वॉट का अडैप्टर मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और लिक्विड कूलिंग दी गई है। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है अगेन 11,999, बट इसके 6+128GB वेरिएंट को 13,500 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप पॉपुलर फोन सेंटर 13 के, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।